नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल। कल संडे को मानसून पूरे देश भर में पहुंच गया। वैसे ज्यादातर 8 जुलाई तक ही मानसून पूरे देश को कवर करता है, लेकिन इस बार 6 दिन पहले ही वो देश के सभी हिस्सों में पहुंच गया है। IMD के मुताबिक इस टाइम उत्तर पश्चिम भारत में 45% से ज्यादा तो दक्षिण भारत में 46% से कम बारिश हुई। इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बिहार और झारखंड समेत 20 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने वाले हैं और अभी तक वहां हिंसा ही बंद नहीं हो रही है। अभी सामने आए 2 इंसिडेंट्स में एक इंसान के मरने की बात आई है तो दूसरा व्यक्ति घायल है। तृणमूल के MLA शौकत मोल्ला ने कहा है कि पुलिस इस मामले की जांच करेगी और जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लोक कल्याण मार्ग पर बने प्राइम मिनिस्टर मोदी के घर के ऊपर आज सुबह एक ड्रोन उड़ाने की जानकारी मिली, जिसके बाद SPG ने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी और अब दिल्ली पुलिस नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाने वाले की सर्च कर रही है। पुलिस ने बताया कि आज सुबह में PCR कॉल मिली कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के ऊपर एक ड्रोन जैसी चीज उड़ रही है, बट हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। अजीत पवार अब महाराष्ट्र के DC बन चुके हैं और अब पार्टी किसकी होगी इसको लेकर बड़ी मुश्किल है। वैसे तो अजित पवार अपने सरकारी आवास पर विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर मीटिंग कर रहे हैं, बट इसी बीच शरद पवार सतारा के कराड़ पहुंचकर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में फूट डालने की कोशिश हो रही है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है और महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी आज मीटिंग करेगी, जिसमें UCC पर ड्राफ्ट रेडी कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है। बता दें कि इस मीटिंग की अध्यक्षता भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी करेंगे, जिसमें 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर शामिल होंगे। वहीं से पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने UCC पर बहस को थॉटलेस एक्सरसाइज कहा था। कल संडे को भी फ्रांस में हिंसा नहीं रुकी। हाँ, ये जरूर है कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा है, मतलब कि इसमें थोड़ी कमी आई है। और देखा जाए तो अब तक 1700 से ज्यादा दंगे के आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल इसराइल पुलिस और सीक्रेट एजेंसीज फ्रांस के इन दंगों को कंटिन्यूस वॉच कर रही है, क्योंकि इसराइल की होम मिनिस्ट्री को लगता है कि अगर फ्रांस जैसे हालात इसराइल में पैदा हो गए तो हमारी पुलिस इससे कैसे निपटेगी, इसलिए इनसे निपटने की स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। इसराइल पार्लियामेंट ने एक जरूरी डिफेंस डील को डन कर दिया है, जिससे कि अब इसराइली एयरफोर्स अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स खरीद रहा है। इनकी प्राइस $3 अरब बताई गई है और ये फाइटर जेट्स लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि एयर डिफेंस के मामले में इसराइल पहले से ही पावरफुल है और अब 25 से F-35 मिलने के बाद उसकी पावर डबल हो जाएगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में संडे को हुए एक टेररिस्ट अटैक में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जिसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। बता दें कि इस साल के स्टार्टिंग के ही 6 महीनों में कुल मिलाकर बलूचिस्तान में बैठी फौज पर 16 हमले हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 37 सैनिक मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी फौज ने सिर्फ 19 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी दी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो को बूस्टअप करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 3 देशों यूनाइटेड किंगडम, लिथुआनिया और फिनलैंड की यात्रा के लिए यूरोप जाएंगे। व्हाइट हाउस ने बताया कि 9 से 13 जुलाई की अपनी यात्रा के टाइम प्रेसिडेंट बाइडेन 74th नाटो शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए 11 से 12 जुलाई तक विनियस लिथुआना भी जाएंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें 73 साल के आसिफ गर्मी से राहत पाने के लिए एक ब्रिज से नहर में छलांग लगाते दिख रहे हैं। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले आसिफ ने कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान को ऑलरेडी डिफॉल्ट नेशन कह दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें सरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।